हर एक शाम प्रेमी पूरे 365 दिन इंतजार करता है इस दिन का, बाबा श्याम के फागुन मेले का। जब भक्त अलग अलग शहरों से आते हैं, कोई खाली हाथ आता है, कोई आंखों में आंसू लेके आता है, कोई कोई बहुत बहुत दूर से पैदल यात्रा करके आता है, पर कोई भी प्रेमी कितना ही हार के क्यों ना आए इस दरबार में, पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे ही आपका ये छोटा भाई निकल पड़ा है बाबा के दर्शन के लिए, वो भी पैदल यात्रा फ्रॉम जयपुर टू खाटू। तो भाई अभी हम घर से निकल चुके हैं और आधी सिटी कवर कर चुकी है, सामने सरगसुली भी आ चुका है। अभी हम जा रहे हैं रायसर प्लाजा, वहाँ से हमारे निशान जो है हम बांधेंगे, उसके बाद जो है हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। छोटी मोटी तैयारी करके, बाबा के निशान की पूजा करके हम लोग भी जो है रेडी हो जाते हैं, और फिर थोड़ी देर हम करते हैं बाबा के लिए थोड़े बहुत भजन, जिसमें काफी ज्यादा मजा आता है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। अब इतने प्यारे भजन गा रहे हो और नाच ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो सब ने दो दो ठुमके लगाए। से जो है सारे निशान लेके जाए जा रहे हैं बाहर की तरफ, निकालेंगे मेन रोड पे जहाँ पे बाबा का दरबार लगा हुआ है, फिर वहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। लगे हमको सिटी क्रॉस करने में, क्योंकि इतने सारे लोग आ चुके थे हमारी यात्रा का स्वागत कर रहे थे, साथ में काफी सारे लोग जो है बाबा के दरबार का दर्शन कर रहे थे, सब लोग प्रसाद दे रहे थे, टीका लगवा रहे थे, मोली का डोरा बनवा रहे थे, सब अपने अपने निशान को अच्छी तरीके लहरा रहे थे। बहुत ही नाचते गाते हुए आनंद लेते हुए हमारी यात्रा निकल पड़ी। दोस्तों हमारी यात्रा में जो है हनुमान जी का भी जो है निशान आता है, और वो चांदपुर हनुमान जी के ऊपर यहाँ पे जो है लगाया जाता है, यहीं पे रखा जाता है। ये हमारा चांदपुर हनुमान जी का मंदिर आ चुका है, ये जयपुर का चांदपुर गेट है, और ये चांदपुर हनुमान जी का मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। अब यहाँ पे जो है हमारा निशान रोका जाएगा। भाई क्या मौसम हो रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो चांदपुर गेट हमने क्रॉस कर दिया, जस्ट पीछे हमारी देखिए कितनी सुंदर यात्रा आ रही है, और काफी सारे लोग यहाँ पे भी चल रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जाम लग चुका है हमारी वजह से, बट कोई बात नहीं। और ये चल रही है हमारी यात्रा, अभी बारिश की छींटे भी आई थी बट अभी बिल्कुल परफेक्ट है। तो भाई आज तो पूरा जाम कर दिया हम लोगों ने, क्यों भाई? देख सकते हो आप सब, जब बाबा की सवारी जाती है तो अच्छे अच्छे जाम ही लगते हैं। पहले सबसे पहले बाबा के प्यारे जाएंगे, उसके बाद बाकी जाएंगे। तो ये जो जाम देख रहे हैं आप, वो इसीलिए इसी का परिणाम है कि बाबा के प्यारे के लिए पहले रास्ता है और बाकियों के लिए बाद में। देखिए कैसे हम बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं बिल्कुल, और अब हवा इतनी तेज चल रही है हमसे निशान संभल नहीं रहा भाई, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। और सब लोगों ने क्या है दो हाथ से निशान पकड़ लिया, कि जैसे कि आप देखोगे ना, अभी आप देखना ये देखो दो हाथ, एक हाथ से इधर वाला और एक हाथ से इधर वाला, बट एक्चुअली मैं शूट भी कर रहा हूँ तो मैंने सिर्फ एक हाथ से पकड़ा है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं चमत्कारेश्वर महादेव जी के, ये हमारा चमत्कारेश्वर महादेव जी का मंदिर है, आप देख सकते हो कितना बड़ा मंदिर और कितना सुंदर मंदिर बना रखा है, और यहाँ पे जो है अब हमारे निशान रोके जाएंगे। और सुबह से जो है हमने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ हमने पानी पिया है, तो अब जो है हम यहाँ पे लंच करेंगे और लगभग एक से डेढ़ घंटे का रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम वापस अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे, और आज का स्टॉप हमारा लगभग होगा 14 किलोमीटर का। तो दोस्तों अभी खाना वाना खा लिया, और खाने का शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि इतनी तेज भूख लग रही थी ना, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो फटाफट से खाना खाने बैठ गए, और अब थोड़ा रेस्ट कर लिया, पैकअप वैकअप कर लिया, रील वगैरह डाल दी इंस्टाग्राम पे, अब वापस निकल रहे हैं। गाइज अभी हमने चोमू पुलिया तो पार कर लिया है, और हम
5-7 जनों का ग्रुप यहाँ पे है, जैसे देख सकते हो आप 5-6 लोग हम यहाँ पे, केवल ये 5-6 लोग हम यहाँ पे है, और बाकी के जो हमारे लगभग 15-20 लोग है वो पीछे आ रहे हैं, काफी पीछे, वो हमसे लगभग 200 मीटर पीछे है और हम काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। हमारी टेक्निक रहती है जल्दी पहुंच जाए तो जल्दी ज्यादा रेस्ट मिल जाएगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। जितने भी है ना शाम प्रेमी देख रहे हैं और बाकी लोग देख रहे हैं ना, प्रभु वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, कितना टफ है ना वीडियो बनाना, लिटरली आप लोग देख सकते हो सब लोगों ने दो दो हाथ उससे निशान पकड़े हुए, बट मैंने सिर्फ एक हाथ से पकड़ा हुआ है, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच बीच में मैं पकड़ भी लेता हूँ दोनों हाथों से, बट वीडियो बनाना भी जरूरी है यार, वो भी अपना काम है, मुझे अपनी पूरी यात्रा जो है आप लोगों तक पहुंचानी है, आप लोगों तक शेयर करनी है। भाई क्या मौसम हो रहा है, किसी से भी ना जो निशान संभल नहीं रहा, इतनी तेज हवा का प्रेशर आ रहा है, इतनी तेज हवा चल रही है, निशान है ना इधर उधर बिल्कुल टेढ़े मेढ़े, बहुत तेज हवा चल रही है। भाई दोस्तों देख लो क्या सीन बन रहा है, भाई कितनी तेज हवा चल रही है, भाई किसी से मतलब दो हाथ से भी सही से निशान नहीं पकड़े जा रहा, देखो कितना सुंदर लग रहा है लहराता हुआ निशान, और मैंने देखो कैसे पकड़ रखा है, बिल्कुल बिल्कुल टाइट पकड़ रखा है, बिल्कुल ऐसे चिपका, मतलब बिल्कुल गले लगा रखा है खुद के, बिल्कुल चिपका रखा है, बहुत टाइट पकड़ रखा है। भाई अभी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और हमारी यात्रा बिल्कुल साइड में चल रही है, अभी मेन हाईवे आ चुका है, लगभग 2 किलोमीटर बचे हैं और 7 बच चुके हैं ऑलरेडी, तो फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं, लगभग 15-20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। गाइस फाइनली आज का स्टे हमारा आ चुका है, ये है रामेश्वरम मैरिज गार्डन। हाँ भाई एक्चुअली हम एक मैरिज गार्डन में रुकते हैं, यहीं पे जो है हम सभी यात्रियों की व्यवस्था की जाती है, यहीं पे हमारा पूरा आज का सोना होगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको अंदर कि हम कहाँ पे सोने वाले हैं, और अभी खाना भी मिलेगा, और सुबह से मैंने कोई भी खाना आपको नहीं दिखाया है, हमने लंच किया था वो भी नहीं दिखाया, हमने स्नैक्स लिए थे इवनिंग वो भी मैंने नहीं दिखाया, बट अब भी जो हम डिनर करेंगे वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा और आप लोगों को भी खिलाएंगे थोड़ा बहुत। बढ़िया बात बताऊँ, इस गार्डन में आज शादी भी एक्चुअली में, देखो पूरी डेकोरेशन हो रखी है, और हम बिल्कुल लास्ट में जाएंगे एक बैंकवेट हॉल में रुकते हैं, एक्चुअली हम गार्डन के बैक साइड में, ये रहा वो बैंकवेट हॉल, और हमको देखो निशान को ऐसे लेके जाना होता है नीचे, जिससे ऊपर टच ना हो, भाई हम बहुत केयरफुली रखते हैं निशान को, कहीं पे भी टच नहीं होने देते। अब देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे आज हम सोएंगे, पूरी यात्रियों के देखो पूरे गद्दे बिछ चुके हैं, अब इन पे ये बेडशीट्स वगैरह भी लग रही है, पिलो वगैरह ब्लैंकेट वगैरह सब मिलते हैं, तो ये पूरा हमारा आज के रुकने का स्टे होने वाला है। पीछे देखो आमेर फोर्ट की कितनी बड़ी पेंटिंग बना रखी है, तो ये एक्चुअली में एक मैरिज गार्डन का बैंकवेट हॉल है। तो सबसे पहले काम जो होता है हमारा ये होता है कि स्वच्छ जगह कपड़ा बिछा के अपने निशान को जो है सबसे पहले उतारते हैं। देखो सब ऐसे यहाँ पे निशान रखते हैं अपना अपना लाके, ऐसे बिल्कुल सेफ रखते हैं हम, जहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी ना हो और कोई उठे जूठे हाथ यहाँ पे नहीं लगाए। अब हमारा ये साफा उतारेंगे। हाँ भाई कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब बहुत ही आनंद आया है, आज का स्टॉपेज है हमारा रामेश्वर गार्डन में। तो भाई खाने में आज हमारे गर्मा गर्म घी की बाटी और दाल, भाई दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रही है। अब ये आ चुके हैं मिर्ची के टिपोरे, बस बिल्कुल सिंपल सादा खाना है और सबसे परफेक्ट खाना है जो आपको नुकसान भी नहीं करता। तो डे वन एंड होता है हमारा दाल बाटी के साथ, और फिर आता है दूसरा दिन। तो दोस्तों अभी जो है सभी निशान को बाहर लेके जाया जा रहा है रथ के पास, वहाँ पे रखेंगे पूरे निशान, और यहाँ पे बाबा की अभी आरती होगी, निशान की आरती होगी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है तो डे लाइट अभी थोड़ी सी लाइट आ जाएगी 15-20 मिनट में, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। जय श्री श्याम, अभी बजे मॉर्निंग के 6:30 और हम लोग जो है निकल चुके हैं जहाँ पे कल रात को हम लोग रुके थे। देखिए काफ़ी सारे लोग आगे जा चुके हैं और मैं अभी लास्ट में हूँ, कुछ लोग पीछे भी आ रहे हैं। हाँ भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जय श्री श्याम। पहली बार आए हो यात्रा में? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार जयपुर से खाटू? हाँ। क्या बात है, क्या एज है आपकी? मेरी एज 15। कौन सी क्लास में हो? 10th में। देख लो भाई मतलब छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, और वो भी पैदल पैदल ही आ रहे हो आप, है ना? देख लो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। तो भाई मज़ा बहुत आता है, और अगर भाई श्याम जी से अगर आपको प्रेम है बहुत ज़्यादा, तो आपको एक ना एक बार जो है निशान यात्रा ज़रूर करनी चाहिए, चाहे आप लोग रिंगस से कर सकते हो, चाहे आप अपनी अपनी सिटी से कर सकते हो। जयपुर तो जैसे इतना दूर नहीं है, खाटू से 90 किलोमीटर। मैंने देखा है लोग बाग अलग अलग स्टेट से भी जो है पैदल पैदल आते हैं, जो कि लगभग एक एक महीने पहले निकल चुके होते हैं वो लोग। अभी हम पहुँच चुके हैं मेन हाईवे पे, देख सकते हो भाई ये सीकर रोड का हाईवे है,
अभी हम कम से कम 1.5-2 घंटे कंटिन्यू चलेंगे, लगभग 8-10 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग एक स्टॉप लेंगे, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग भूखे पेट चलते हैं बिल्कुल, और बीच में हम कुछ खाते पीते नहीं है, सिर्फ अलग अलग जगह रुकते हैं वहीं पे खाते हैं। विश्वास करे वो बूटी तान के सोए, विश्वास मारो उस। तो कुछ इस प्रकार हम जो यात्रा करते हैं और 90 किलोमीटर पता नहीं कब निकल जाते हैं, मतलब लास्ट में पता चलता है जब लास्ट में बहुत दर्द होता है, बट कुछ ऐसे भजन करते करते हमारे 90 किलोमीटर फटाफट से निकल जाते हैं, हमको इतना एहसास नहीं होता। 90 किलोमीटर सुनने में काफ़ी टफ लगता है बट फटाफट से निकल जाते हैं, यही तो होता है बाबा का आशीर्वाद। तो गाइस सामने आ चुका है अपने जयपुर का सबसे फेमस आपनो राजस्थान। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगी ये चीज़, और काफ़ी लोग एक्चुअली में आए भी होंगे यहाँ पे, और जिन स्कूल टाइम्स में है ना सबसे ज़्यादा लोग आए होंगे, क्योंकि स्कूल में है ना सबसे ज़्यादा जो है पिकनिक के टाइम पे इसी जगह पे लेके आते थे भाई। तो यार बचपन की यादें, ऐसा यात्रा पे जब आप पैदल चलते हो ना तो चीज़ों को देखते हो तो काफ़ी ताज़ा भी होती है यार। बाकी प्रॉपर सनलाइट अब आ रही है, हल्की हल्की सी ठंड लग रही है हमको, क्योंकि बिल्कुल मौसम थोड़ा कल से ठंडा है काफ़ी, बट ठीक है इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं है। और आप सब भी बाबा के दर्शन कर लीजिए अच्छे से जोत के। चलिए ये हमारे बाबा का रथ, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे जनरेटर में देखिए ये पेट्रोल भरा जा रहा है इसमें, ये पूरी गाड़ी पे बना हुआ है बाबा का रथ। और हमारे जो है यात्री देखो कहाँ से आ रहे हैं, कितनी दूर दूर से आ रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे इतना आगे, और कुछ लोग आगे भी है, मैं काफ़ी पीछे रह गया, तो दौड़ के फटाफट से उन लोगों के पास जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं पुलिस थाना हरमाड़ा, और अब आज तो हमको यार बहुत लंबा चलना है, बहुत ज़्यादा लंबा, मतलब बताऊँगा मैं आपको थोड़ा आगे पहुँच के जहाँ पे हम चाय नाश्ता करेंगे वहाँ पे बताऊँगा कि आज की जो यात्रा है हमारी कितने किलोमीटर की होने वाली है, बट इतना समझ लो कि बहुत ज़्यादा होने वाली है। मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी नहीं लिखा, तो यार सबसे पहले लाइक करो और जय श्री राम जी को। दूसरे दिन की यात्रा हमारे लिए सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इस दिन हमको लगभग 45 किलोमीटर चलना होता है। बोलने में बहुत आसान लगता है 45 किलोमीटर, बट रियलिटी में जब आप चलते हो पैदल एक एक कदम, जब आपको पता चलता है कि 45 किलोमीटर डिस्टेंस किसे बोलते हैं। और ये पूरी यात्रा करते करते हमको लगभग शाम को है ना 10-11 बज जाएगी पहुँचने में, क्योंकि 45 किलोमीटर हमको चलना है बाबा के निशान के साथ, बिल्कुल ईजी नहीं है। और मेरे लिए तो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि एक हाथ से मेरे को वीडियो भी बनानी है और एक हाथ से निशान भी पकड़ना है, जबकि निशान दोनों हाथों से पकड़ा जाता है अगर आपको अच्छी ग्रिप बनानी है। तो भाई 45 किलोमीटर चलना है आज, देखते हैं कैसे पूरा करते हैं। जी देखो हमारे बाबा भी साथ चल रहे हैं हमारे, जय श्री शाम। तो ये बाबा का रथ है हमारे, देखिए बाबा का कितना सुंदर श्रृंगार है, और धीरे धीरे अब हल्की हल्की सी सनलाइट आना चालू हो चुकी है। लगभग हमको 45 मिनट हो चुकी है लगातार चलते हुए, अभी लगभग 1-1.5 घंटा और चलेंगे, अब फिर कहीं पर देखते कोई बढ़िया सा ढाबा मिले, कोई बढ़िया सी जगह मिले बैठने की अच्छे से, तो हम वहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। वैसे मेन प्रॉब्लम है ना ये कंकर कर रहे हैं भाई, यहाँ की रोड है ना, पहले यहाँ पे एक वाइट पट्टी हुआ करती थी आपको पता होगा रोड के बीच में, इस बार जो है वो वाइट पट्टी है ही नहीं भाई, वो पट्टी गायब हो गई, नई रोड बनी तो वो पट्टी गायब हो गई, तो बहुत कंकर चुभ रहे यार, बहुत पेन हो रहा है भाई। तो दोस्तों मैं ना इस वाइट पट्टी की बात कर रहा था, इस पे चलने पे ना बिल्कुल आराम मिलता है, इतना सॉफ्ट लगता है ना, ऐसा लगता है कि अपन कुशन पे चल रहे हैं, तो ये चीज़ मिल जाए ना भाई पूरे रास्ते पे तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जो भाई आ गया टोल गेट 1 किलोमीटर, इस टोल गेट को क्रॉस करते हम लोग जो है ब्रेक लेंगे एक छोटा सा चाय नाश्ते के लिए। भाई जब आप लोग ऐसी यात्रा पर निकलते हो ना, जब आपको पता चलता है कि 1-1 किलोमीटर की क्या कीमत है, नहीं तो ऐसे जब अपन गाड़ी वगैरह में चलाते हैं ना कार में बाइक में तो भाई पता ही नहीं चलता 1 किलोमीटर का, तो बट जैसे जब आप पैदल निकलोगे ना तो आपको 50 मीटर 100 मीटर आधा किलोमीटर इन सब की जो है ना अहमियत पता चलेगी भाई। क्योंकि हम टोल प्लाजा को क्रॉस कर रहे हैं, ये पूरा टोल प्लाजा है चोमू का, और इसको हमने फाइनली क्रॉस कर दिया है, अब बस 5-10 मिनट में हम जो है ब्रेक लेने वाले हैं भाई। फाइनली अभी हम जो है इस ढाबे पे रुके हैं और हमने हमारे निशान जो है बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे रख दिया है। यहाँ पे जो है 1-1 कप चाय पियेंगे, उसके बाद जो है वापस से यात्रा अपनी कंटिन्यू करेंगे भाई। चाय तो हमने पी ली है और अब एक अंकल जो है ये लेके आए हैं मिश्री मावा,
तो इसको भी खाते हैं। और अब पूरी जो है हमारी यात्रा आ चुकी है, देखो सारे लोग अब बैठे हैं यहाँ पे, सब चाय नाश्ता कर रहे हैं, बाबा का रथ वहाँ पे है भाई। अब ढाबे पे से हम लोग निकल चुके हैं और लगभग आधे पौन घंटे का हमने जो है रेस्ट किया अच्छे से। इंस्टाग्राम है, आप लोग प्लीज़ यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी रील्स डाली है इस यात्रा की, तो प्लीज़ वहाँ पे भी थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। और काफ़ी लोग आगे निकल चुके हैं, काफ़ी लोग पीछे भी हैं, और मैं अभी अकेला चल रहा हूँ बीच में। मेरा ग्रुप तो जो है आगे निकल चुका है, बिना बताए निकल गए सब चुपचाप, तो उनको फटाफट से मेरे को कैच करना होगा। अब वापस हम चलेंगे कम से कम 2 घंटे लगातार, उसके बाद वापस एक और स्टॉप लेंगे। ऐसे धीरे 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 करते करते पता है पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं चलता। पता तो चलता है एक्चुअली यार, मेरी टंग टू स्टोरी है, पता तो चलता है भाई, दर्द तो होता है क्योंकि अभी से जो है हम लंगड़ा चुके हैं, देख सकते हो आप लोग, क्योंकि यार आज पता नहीं बहुत कंकड़ चुभ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंकड़ चुभ रहे हैं यार। इतनी तेज़ हवा चल रही है, देखते हैं यहाँ पे, आज पट्टी भी ख़त्म हो चुकी है, गाड़ियाँ इतनी तेज़ फास्ट बिल्कुल बगल से निकल रही है ना भाई, एक बार तो बहुत डर लगने लग जाता है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, निशान सही से संभल नहीं पा रहा, और फिर ऊपर से मैंने एक हाथ से निशान ले रखा है। आज हमने जो है ये फ्लाईओवर चढ़ा है, हम इस फ्लाईओवर के ऊपर चल रहे हैं अभी, और यार हाईवे पे बस यही प्रॉब्लम है, व्हीकल जो है बहुत फास्ट आते हैं भाई, बहुत, और बिल्कुल पास से जब गुजरते हैं ना तो भाई बहुत डर लगता है यार। देखो आप लोग कितनी फास्ट व्हीकल निकल रहे हैं यार, और जब जब बस निकलती है ना भाई, सच में इतनी तेज़ एयर प्रेशर करके जाती है कि मैं पूरा इधर हो जाता हूँ, बहुत तेज़ हवा का झोंका पड़ता है, बिल्कुल ईजी नहीं है। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं चोमू के सर्कल पे, ये वाला जो रास्ता जा रहा है उस साइड से वो जा रहा है सीधे रिंगस, बट हम जो है अंदर चोमू सिटी से होके निकलता है, क्योंकि हमारा वहाँ पे एक स्टॉपेज है जिसमें हम जो है वहाँ पे रुक के लंच करते हैं और लगभग 1 से 2 घंटे का बढ़िया रेस्ट लेते हैं, तो उसी कारण हम जो है चोमू सिटी से जाते हैं। अगर अदरवाइज हम रिंगस वहाँ से जाए ना, जो मेन रोड है सिकर रोड, तो हमारे लगभग 2 से 3 किलोमीटर सेव हो सकते हैं, बट हमको लंच भी करना होता है, थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना होता है, तो हमारा यहाँ पे बीच में एक जगह है वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, तो हम वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे लंच करते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं। तो अभी हम जो है इस पेड़ के पास रुकेंगे और एक एक ग्लास गन्ने का जूस पियेंगे आराम से धीरे धीरे। लो शुभम जी मेरा भी रखो। आराम से देखो भाई, इतने बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पे कपड़ा बिछा के हमको अच्छे से रखना होता है निशान। ये अभी आ चुका है गन्ने का जूस, भाई मौसमी साथ में मौसमी भी दे रहे भाई साहब, भाई सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ का ये लगती है, क्योंकि ये गन्ने का जूस है ना अभी बिल्कुल अमृत लगता है भाई। मज़ा आ गया भाई, लगभग आधे घंटे का रेस्ट करके हम लोग वापस निकल चुके हैं, और अब हम वापस लगातार 6 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद जो है हमारा एक स्टे है वहाँ पे हम लंच करेंगे और लगभग 1 से 2 घंटे का रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हमको इवनिंग में हम चलेंगे 4-4:30-5 बजे, वो हमको करने 15 किलोमीटर्स भाई, वो 15 किलोमीटर हमारे लिए सबसे टफ होने वाला है। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आएगा, और बस कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख देना। भाई फाइनली आ चुके हैं, अब यहाँ पर स्टे करेंगे, ये कार ड्राइविंग स्कूल है, यहीं पे हमारा रेस्ट होता है, यहीं पे हमारा खाना होता है, यहाँ पे हम रेस्ट करने वाले हैं अभी लगभग 1-1.5 घंटा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारे पाँव दिखाता हूँ कि पाँव का क्या हाल है। छी भाई देखो पाँव का हाल, देखो हमारे भाई बहुत हालत ख़राब हो चुकी है बिल्कुल। 1 घंटा तो किसी को होश भी नहीं रहेगा भाई अब, क्योंकि धूप ने ना बहुत हालत ख़राब कर दी भाई, बहुत गर्मी लग रही है अब। चल रहे इस जगह को बाय बाय बोल के, और बाबा का तभी यहीं पे, बाकी यात्री और आ रहे हैं, हम 4-5 जने पहले निकल रहे हैं, क्योंकि यार रात ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, शाम के 5 ऑलरेडी बज चुके हैं, और हमको एनी हाउ 10 बजे से पहले पहले तो पहुंचना ही है, क्योंकि फिर कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाता है, फिर बहुत दिक्कत आती है हाईवे पे निशान के साथ यार, अभी देखना अब अंधेरा हो जाएगा कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी भाई। अब हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, ये 1 घंटे की नींद ले लेना तो ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ऐसी आ रही है, बिल्कुल नींद आ रही है बहुत ज़्यादा भाई। आ चुका है हाईवे, हम हाईवे को वापस ज्वाइन कर लेंगे, ये पूरा देख सकते हो अब, ये पूरा हाईवे है सीकर वाला जो खाटू जा रहा है, और सभी लोग आ रहे हैं पीछे,
सबकी हालत टाइट हो रखी है यार। बट भाई ये चलना तो है ही भाई, जाना तो है ही, कैसे ना कैसे टाइम से पहुँचना है, बस करना होगा। इसके ऊपर चढ़ के जाएंगे भाई, बहुत कंकर है भाई, बहुत कंकर, इतना पेन हो रहा ना भाई पाँव में, पूरी स्वेलिंग आ गई पाँव में, ये चुभ ना जाए बस, इसमें कोई कांच वाच ना हो बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई हवा के झोंके पड़ेंगे, बहुत तेज तेज हवा चलेगी अब, और साथ में बसें निकलेगी बगल में से, बहुत तेज तेज। क्या चाय पियोगे, पानी? अभी देखो इवनिंग हो चुकी है, इधर सनसेट हो चुका है, हल्की हल्की सी सिर्फ रेज आ रही है, और धीरे धीरे डार्क होने वाला है, अंधेरा होगा, और यहाँ पे लाइट्स भी नहीं है, तो भाई बहुत केयरफुली चलना होगा। और अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गया था भाई, बहुत लोगों से प्यार मिला, लगभग 200 लोगों ने मेरा लाइव ज्वाइन किया भाई, बहुत बड़ा नंबर है लाइव के अकॉर्डिंग। और भाई अभी भी चल रहे हैं, अभी तो बहुत दूर जाना है, बहुत तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा, देखो आप सड़क तो दिखी नहीं। चलते चलते कब अंधेरा हो जाता है हमको एहसास भी नहीं होता, और रात को वहाँ पे हाईवे पे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। निरी भाई ये मजे भाई आपको लाइफ में सिर्फ एक बार देखने को मिलेंगे, देख सकते हो आप हाईवे पे पूरा अंधेरा हो रखा है भाई, इधर देखो गाड़ी आ रही है, बस हमारा क्या निशान चमक जाता है, रिफ्लेक्शन मिल जाता है, तो कोई हमको ऐसे उड़ा नहीं सकता। बट भाई अगर यहाँ पे थोड़ी रोड लाइट वगैरह होती ना तो भाई हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता, क्योंकि रोड भी काफ़ी चुभ रही है, और अगर कोई नीचे कांच वाच आ गया ना तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बस भाई अभी हमने जो है एक लास्ट स्टॉप लिया है, और यहाँ पे चाय कॉफ़ी चल रही है, सबने अलग अलग बिस्किट खाया है, डार्क फैंटेसी अलग अलग फ्लेवर के, पार्ले जी भी है, पार्ले जी तो इस भाई ने खाया है, बस सबके थक चुके हैं। मैंने कॉफ़ी लिया भाई, और मैंने पीकी चाय पी है भाई। अब जो है केवल 2 किलोमीटर बचे हैं, उसके बाद जो है हम रुकेंगे और सोएंगे। तो भाई दोस्तों आज के डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, आज हम इस घर पे रुकेंगे, पीछे देख लो मेरे हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, बट ठीक है इससे एनर्जी है, आराम से बोल भी सकता हूँ और डांस भी कर सकता हूँ भाई। तो सबसे पहले अपना मेन काम रहता है निशान को सही जगह स्थान पर रखना, तो सबसे पहले वही करेंगे, बाबा के निशान को अच्छे से रखेंगे। ये क्या है मेरे बाबा का निशान, आज की यात्रा यही समाप्त होती है, अब कल सुबह उठ के 6 बजे वापस निकलेंगे, 6 से जल्दी निकलना है, और अभी खाना यहाँ पे बनेगा, देखते हैं भूख कितनी है, नहीं तो सो खाना खाएंगे भाई, सूरज जी तो खाना खाएंगे, हमको भी खिला देंगे बोल के। जय बाबा। चलो मिलते हैं आपको कल सुबह। और ये है हमारा आज का लास्ट और तीसरा दिन, उठते ही सबसे पहले नहा धो के हमने जो है बाबा की आरती करी, निशान की आरती करी, और निकल पड़े रिंगस के लिए। जय श्री श्याम दोस्तों, अभी हो रहा है समय सुबह के 6:15, और हम लोग निकल चुके हैं, आज बाबा के द्वार पे जाएंगे, सीधे बाबा के दर्शन करेंगे, बाबा को निशान अर्पण करेंगे। भाई आज बहुत तेज सर्दी है गाइस, बहुत ज़्यादा सर्दी है, लिटरली मैं बता नहीं सकता, बहुत तेज सर्दी है, पाँव बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। देखो भाई इतनी सर्दी एक्सपेक्ट नहीं की थी आज हमने, अभी हम जस्ट डोरसर से निकले, 5 मिनट की वॉक की है बस अभी तक बस, और पाँव में छाले अलग हो गए भाई, आज के 35 किलोमीटर तो बहुत टफ होने वाला है भाई। इन ऊपर बड़े बड़े टावरों में से हमको ऐसे भाग के आना होता है जिससे करंट ना लगे, क्योंकि हमारे ऊपर निशान पे चांदी का छत्तर लगा हुआ होता है भाई, निशान को बिल्कुल छोड़ के, और हमको ऐसे भागना होता है जिससे हमको करंट ना लगे, क्योंकि बहुत लोगों को लग चुका है यहाँ पे करंट, तो अगर आप भी आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें भाई। अभी तक जो है सनलाइट नहीं आई है प्रॉपर, और सर्दी काफ़ी तेज है, आज हम भाई बहुत ज़्यादा सनलाइट का वेट कर रहे हैं कि फटाफट से धूप आ जाए, तो थोड़ी बहुत गर्मी एहसास हो, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है हम बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं भाई, इतना ठंडा रोड है ना। और एक खुशखबरी दूँ आप सभी को, ये देखो दोस्तों रिंगस का बोर्ड आ चुका है, सिर्फ 9 किलोमीटर है रिंगस, अभी हम पहुँच चुके हैं सरगोट, और ये सूरज भैया का गांव है, और ये बालाजी का मंदिर भी सूरज भैया के कुल देवता है, और ये हनुमान जी का निशान भी लेके आया है साथ में, तो ये निशान यहीं पे चढ़ाएंगे, और बाकी लोग हम वापस बाबा का निशान लेके खाटू श्याम जी निकलेंगे। तो आ गई ना, तो भाई बहुत आराम मिल रहा है लिटरली,
अभी से केवल एक घंटे पहले ना इतनी तेज ठंड थी ना, पाँव बिल्कुल हमारे सुन पड़ चुके थे भाई, बट धूप आ गई और बहुत अच्छी आई, अब बिल्कुल आराम है। अब यहाँ से रिंगस पहुँचेंगे पहले, और फिर रिंगस से तो आपको पता है बाबा की, बाबा आ ही जाते हैं, रिंगस से पहुँच गए ना आप तो समझ लो आप बस खाट श्याम देवी मंदिर पहुँच गए, केवल 17 किलोमीटर बसता है वहाँ से बस। वही मंदिर बहुत सुंदर है और बहुत छोटा है। अभी एक्चुअली में क्या है, मंदिर के ताला लगा हुआ है और हमको चाबी नहीं पता, तो यहीं पे हम निशान जो है बांध रहे बाबा का, ये देखो भाई। वापस चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से, निशान ले लिया वापस। ये था हमारा पलसी का मंदिर, और भाई कितनी प्यारी आज सनलाइट आ रही, देखो कितने अच्छे कलर्स आ रहे हैं यार, काफ़ी फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है आज तो भाई। और भैया राम राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह राठौड़। क्या बात है यार भाई, गांव के बच्चे। भाई आज थोड़ा कम वीडियो बन पाएगा क्योंकि रिंगस के बाद थोड़ी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, और वहाँ पे भीड़ भी बहुत मिलेगी, तो वीडियो शूट करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, आप सब समझ सकते हो, हाथ में निशान भी है। भाई हमने थोड़ी देर बैठ के अभी जो है चाय नाश्ता लिया था, मैंने आप लोगों को दिखाना भूल गया एक्चुअली, क्या इतना थके हुए आते ना तो जैसी चाय आ जाती ना तो फटाफट से चाय पी जाते हैं, पता भी नहीं चलता, शूट करना मैं भूल जाता हूँ। और अभी रिंगस रह रहा है यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर। भाई ये ऊपर वाला रास्ता जा रहा है सीधे खाटू, और ये वाला रास्ता जा रहा है जो है रिंगस के भैरू बाबा, तो पहले भैरू बाबा के जाएंगे, ढोक लगाएंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे। भाई रोड है ना इतनी पैनी है, और मेरे पाँव पे ना नीचे यार बहुत मोटा छाला हो रहा है। भाई ये आ चुका है भैरू बाबा का द्वार, रिंगस के भैरू जी महाराज का द्वार। भाई यहाँ पे कितनी सारी डक्स है। ओए दोस्तों, रिंगस के भैरू जी हम पहुँच गए, ये है रिंगस के भैरू जी का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों। ये है रिंगस के भैरू जी का मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। भाई अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो ना तो आपने इस गाने पे एक बार तो डांस किया होगा, रिंगस के भैरू जी महादेव रे रे ऐसे करके कुछ एक भजन गाना है भाई, इस पर डांस करने में अलग ही मज़ा आता है, वो इधर का ही बना हुआ है भाई। भाई हमारे साथ दो जने और ऐड हो चुके हैं, श्रीकांत भैया जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई साहब, रिंगस से शामिल हो गए हम आज, और कार्तिक भैया जय श्री श्याम। अब बताइए, हमारी जयपुर से बस की नहीं थी भाई साहब, हम भी श्याम प्रेमी हैं, हम रिंगस से भाइयों के साथ, भाइयों के सानिध्य में आज हम रिंगस से खाटू श्याम पद यात्रा में शामिल हो चुके हैं, और भाइयों के साथ आज बाबा के दर्शन करेंगे, दर्शन लाभ लेंगे। तो भाई 5 मिनट का रेस्ट लेके वापस निकल चुके हैं। भाई जैसे ही अगर आप बैठ जाते हो ना तो पता है अपनी जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है ना वो स्टॉप हो जाता है, जैसे जब चलते रहते तो बॉडी बिल्कुल हॉट रहती है, और जैसे ही जब बैठ जाते हो ना 5 से 10 मिनट के लिए तो बॉडी बिल्कुल कोल्ड पड़ जाती है, और फिर जब उठते हैं ना वापस भाई बहुत दिक्कत होती है, बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रिंगस, और भाई मेरे छालों का पेन है ना जो बहुत ज़्यादा बढ़िया, मेरे पाँव में ना एक्चुअली बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, 1% भी दर्द नहीं हो रहा पाँव में, बट छालों ने ना मेरी पूरी स्पीड ख़राब कर दी, इवन मेरे जो 4-5 जनों का ग्रुप था वो लोग आगे निकल गए क्योंकि मेरी स्पीड बहुत धीरे हो गई। ये रोड इतना चुभ रहा है ना क्योंकि छाला यार बहुत पेन कर रहा है भाई, छाले की ऐसा लग रहा है जैसे मैं कांटों पे चल रहा हूँ, कांच पे चल रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है। मेरे पैरों में इतने मोटे मोटे छाले हो चुके थे, कैसे करते करते मैं सीधे पहुँचा रिंगस। और रिंगस पहुंचने के बाद मेरी हालत जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, इवन मैंने कई टाइम तक तो जो है व्लॉगिंग भी नहीं करी। फाइनली रिंगस पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हमारी सिर्फ 17 किलोमीटर की यात्रा रहती है, जल्दी हम खाटू नरेश के पास पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे बाबा के। और हमारे साथ जो दो साथी है वो अब जो है निशान ले रहे एक रिंगस से। अभी इस टाइम पर यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि मेला आने में अभी कम से कम फिक्स 8 से 10 दिन है, 8 से 10 दिन बाद तो बहुत भीड़ हो जाएगी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अभी यहाँ पे रुके हैं और ये नाश्ता कर रहे हैं कोफ्ते और जलेबी का, नहीं भैया अब यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 घंटा हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस से कंटिन्यू यात्रा करेंगे। रिंगस में एक जगह रुकने के बाद हमने किया नाश्ता, और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे नींद लेने के बाद, रेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं खड़ा हुआ
मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुका था। दोस्तों अब टाइम ऐसा आ चुका है कि बस चल ही नहीं जा रहा, मन में तो ऐसे ख्याल आ रहा है कि कहीं पे रुक जाओ, कमरा लेके सो जाओ, कल सुबह जाना, बट आज ही ख़त्म करनी है यात्रा। छाल है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा फूल चुका है, ना मिट्टी में चले जा रहा है ना रोड पे चले जा रहा है, कैसे कैसे करके एक 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 कदम है ना, एक एक कदम धीरे धीरे रख रहा है बस। बहुत टाइम लग जाएगा आज रिंगस से खाटू पहुँचने में। पर वो कहते हैं ना, जब आपने ठान लियो किसी चीज़ को करने की, तो कहीं ना कहीं से आपके पास अपने आप हिम्मत आई जाती है। तो मैं भी उठा और वापस धीरे 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 एक एक कदम उठा के चलने लगा। आज तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, मेरे जो छाला था ना वो एक्चुअली में बिल्कुल फूट चुका है, और अभी खाटू यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर है, और ऐसा कुछ हाल है पाँव का, पट्टी बांध बांध के चलना पड़ रहा है, पट्टी भी नहीं मिली, रुमाल बांध के चल रहा हूँ। अब ये जो बालाजी छाछ रावड़ी एंड भंडार पर हम आए हैं, इधर जो है हम रेस्ट करेंगे एक डेढ़ घंटा, आधा घंटा जितना भी टाइम मिलेगा, और फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों बस कुछ ही देर में हम बाबा के द्वार पहुंच जाएंगे, शाम द्वार हम पहुंच जाएंगे, और अभी वैसे मंदिर क्लोज है, अब 6 बजे मंदिर खुलेगा, क्योंकि आज मंडे है, सैटरडे संडे 11-12 ऑलमोस्ट 24 घंटे खुला रहता है, बीच बीच में थोड़ी देर भूख लगता है जब बंद होता है, बाकी खुले रहता है। अभी बस लगभग 500 मीटर 600 मीटर बाकी है, और अब तो मैं बिल्कुल एक एक कदम चल रहा हूँ बस एक एक कदम धीरे धीरे, देखो कितना धीरे धीरे चल रहा हूँ भाई, एक एक कदम चलना पड़ रहा है, क्योंकि यार छाले हैं ना, छाले हो गए, चलो चलो ठीक है हो गए, ठीक है फूट और गए भाई, फूटने के बाद तो आदमी ख़त्म हो जाता है भाई। आपको भी सताते नहीं जाता, आपको भी शाम द्वार के दर्शन करवा देते हैं। फाइनली आज 3 दिन बाद लगभग 90 किलोमीटर चलने के बाद, और हम पहुँच चुके हैं शाम द्वार खाटू श्याम जी के। हमारे जयपुर से खाटू श्याम जी की यात्रा बहुत सफल हुई, प्लीज़ कमेंट में आज तो जय श्री श्याम जरूर लिख देना। चलिए दिखा देते आपको शाम द्वार। तो आ चुके हैं हम शाम द्वार, ये है सामने शाम द्वार। धीरे धीरे मुझे पता नहीं चला कि कब जो है रिंगस से खाटू की दूरी कम होते गई, और फाइनली हम पहुँचते हैं बाबा के शाम द्वार पे। फाइनली दोस्तों खाटू श्याम जी के द्वार पहुँच चुके हैं, पीछे है शाम द्वार, और ये रहा मैं निशान लेके, जैसे जो है निशान आप लोग उतार सकते हो, जैसे हम लोग उतार रहे सारे निशान, और फिर हम डंडा यहाँ पर किसी को दे देंगे निशान वाले को ही, तो ऐसे आप निशान को लेके जा सकते हो अंदर, ये तरीका होता है निशान को अंदर ले जाने का। तो भाई अभी हम मंदिर निकल चुके हैं निशान को हाथ में लेके, बिल्कुल अच्छे से। हाँ भाई जय श्री श्याम। कुछ ही मिनटों में हम लोग दर्शन करेंगे साथ में बाबा के ऊपर में। ये खाटू की गलियाँ है भाई, सुंदर सुंदर गलियाँ। पहुँच चुके हैं मंदिर में, और अब हम जा रहे हैं हमारे निशान को अर्पण करने बाबा को। दोस्तों एक बार तो जो है हमारे दर्शन हो चुके हैं, और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं, सच बता रहा हूँ मज़ा आ गया यार। दोस्तों क्या बताऊँ, बाबा को अच्छे से हमने निशान अर्पण किया, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो, मैंने चुपचाप वीडियो भी बना ली, और अब मैं जो खाटू श्याम बाबा के निशान के साथ बालाजी का भी निशान लेके आया था, ये छोटा सा, और साथ में इसमें छतर भी है, और ये अब मैं वापस दर्शन करने जा रहा हूँ। तो जब उतरते हैं, जब बालाजी का मंदिर आता है एक, तो वहाँ पर हम जो है ये वाला निशान चढ़ाएंगे। तो दोस्तों आ चुका है मंदिर श्याम बाबा का, देखिए अब हम जो है सिड्डी वाले दर्शन करेंगे। जय हो मेरे बालाजी महाराज की। तो हमने किए बाबा के दर्शन, बाबू को किया निशान अर्पण, और निशान अर्पण करने के बाद सारी थकान जो है हमारी खत्म हो चुकी थी। तो भाई दर्शन हो गए, बालाजी को भी निशान अर्पण कर दिया है, साथ में प्रसाद भी मिला है, और ये है हमारे बाबा का मंदिर, बहुत ही सुंदर। हाँ क्या बात है, चलो अब चलते हैं घर की ओर। बोल हारे के सहारे की जय। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाना, और कमेंट में जय श्री श्याम तो ज़रूर लिख देना। ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।